हेलो फ्रेंड्स, कविता हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड बेक विद कविता। आज हम बनाएंगे टेस्टी जूसी चिकन सीख कबाब। खाने में तो यमी और सुपर टेस्टी, और बनाने के लिए तो सिर्फ 10 या 15 मिनट लगता है। जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं आज का रेसिपी। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम चिकन कीमा लिया है, और 4 ब्रेड स्लाइस का ब्रेड क्रम्स, और 1 इंच क्रश्ड अदरक, और 2 हरी मिर्च क्रश किया हुआ है, और 6 से 7 क्रश किया हुआ लहसुन, और मसाले में 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1 टीस्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और उसी के साथ क्रश किया हुआ पुदीना और आधा कप हरा धनिया, और उसी के साथ स्मूथ टेक्सचर देने के लिए अंडा, और चटपटा टेस्ट के लिए नींबू का रस, और स्वाद अनुसार नमक। इन सारी चीजें को अच्छे से मिक्स करना है और चिकन कीमा को तैयार रखना है। यहाँ मैंने लिया है चॉपिंग बोर्ड, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है, और छोटा सा पैटी बनाएंगे, और मैंने यहाँ स्लाइस चीज डाला है। आप चाहिए तो ये चीज क्यूब्स भी डाल सकते हैं, और ये स्किप भी कर सकते हैं। बच्चों तो चीज पसंद करते हैं, इसके लिए मैंने बच्चों को लिए चीज डाला है। पैटी को ऐसा स्प्रेड करके एक अच्छा सा शेप देंगे, और उसी के ऊपर चीज डाल के ऐसा फोल्ड कर लेंगे। ये सीख कबाब का रेसिपी है, इसके लिए कबाब को हम सिलेंडर शेप देंगे। जेंटली इसको फोल्ड करेंगे दोनों साइड, क्योंकि मैंने चीज डाला है, एज वेल एज इसको चॉपिंग बोर्ड में रोल करेंगे। बिना सीख का हाथों में हम लोगों ने सीख कबाब बना दिया है, अच्छा सा शेप आया है। ऐसे हम सब चिकन कीमा को एक सीख कबाब बना के रख देंगे। विल रिपीट द सेम प्रोसेस एंड कीप द कबाब्स रेडी फॉर द शैलो फ्राई। कबाब्स तैयार हो गया है शैलो फ्राई करने के लिए, चलिए शैलो फ्राई कर देते हैं। मैंने यहाँ पैन में ऑयल लिया है, इसी के ऊपर 1x1 कबाब अरेंज करके इसको फ्राई करेंगे, और याद रहे फ्लेम को तो लो ही रखें, और ऐसे एक साइड फ्राई होते ही इसको फ्लिप करेंगे, और 5 मिनट ईच साइड फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद 1x1 हम निकाल देंगे। बोला था ना, सिर्फ 10 या 15 मिनट ही लगता है ये बनाने के लिए। सिंपल और टेस्टी चिकन सीख कबाब 15 मिनट के अंदर रेडी हुआ है। टेस्ट तो एकदम रेस्टोरेंट जैसे ही है, एज वेल एज वो मार्केट में पैकेट में मिलता है ना, उससे भी अच्छा टेस्ट है। आप ये स्टार्टर में भी यूज कर सकते हैं। जरूर ट्राई करिए और मुझे बता दीजिए फीडबैक कमेंट सेक्शन में। आई लव टू रीड योर सजेशंस एंड फीडबैक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। आई तो जरूर लाइक करिए, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। उसी के साथ मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। डियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन नेक्स्ट रेसिपी। कुक एंड बेक विद कविता।